फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। संभल पुलिस ने केमिकल से बनाए जाने वाले मिलावटी दूध के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस कारोबार में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में नकली दूध के अलावा उपकरण बरामद किए हैं। संभल केमिकल से बनाए जाने वाले नकली दूध से जुड़ा पूरा मामला यूपी के संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र का है। बीती रात्रि पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम गोहत के जंगल में बंद पड़ी मेंथा फैक्ट्री में केमिकल से नकली दूध बनाने का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में नकली दूध के अलावा उपकरण बरामद किए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करीब 6 माह से नकली दूध बनाने का कारोबार कर रहे थे। ये लोग केमिकल से नकली दूध बनाकर इसकी सप्लाई बुलंदशहर, बिजनौर सहित तमाम जिलों में कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। इनके पास से भारी मात्रा में मिलावटी दूध, केमिकल्स आदि बरामद किए गए हैं। फिलहाल मास्टरमाइंड सहित सभी 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें कि संभल जिले में लंबे समय से मिलावटी दूध का कारोबार चल रहा है। खाद्य विभाग इस मामले में पूरी तरह से आंखें बंद किए बैठा है। यही वजह है कि आम जनता मिलावटी दूध पीने को मजबूर है। फिलहाल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से मिलावट खोरों में हड़कंप मचा हुआ है। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहना है यमुना प्रसाद, SP संभल का। ये संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र में ग्राम गोहत में एक मेंथा की बंद फैक्ट्री थी, जो वीर सिंह की फैक्ट्री थी, वहाँ पे सूचना मिली कि सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, नकली दूध बनाया जा रहा है। वहाँ पे पुलिस ने दबिश दिया तो वहाँ पे भारी मात्रा में केमिकल पदार्थ मिले, ड्रम मिले और इसमें जो मिलाने वाले पाउडर हैं वो सब मिले। उनको वहाँ से रिकवर किया गया है। इसी में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इसका मास्टरमाइंड जो है प्रमोद, वो भी गिरफ्तार हुआ है। और इसके साथ में वहाँ पे 11 ड्रम रिफाइंड आयल और 23 किलो पाउडर सफ़ेद पीला और 17 सफ़ेद केमिकल बोतल, ग्लूकोज सिरप, रिफाइंड आयल और ये काशीपुर से लेकर आते थे ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे मिला करके उसको नकली दूध बनाते थे और एरिया में सप्लाई करते थे। आसपास के जिलों में बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा आदि क्षेत्रों में सप्लाई करते थे और भारी मात्रा में नकली सिंथेटिक दूध बना करके सप्लाई करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है, इनसे भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। इनके साथ अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv।